म टू बेस्ट नोस टूटोरियल इन दिस वीडियो वी विल भी टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अदर देन चौसौ सो चौसौ की एज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं जो कैंटबल टेल्स है उसके पूरे कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन उससे बनते हैं वो भी हमने देख लिए हैं उनके कैरेक्टर्स के बा... से ही क्वेश्चन बनते हैं तो सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन से अदर पॉइंट्स से तो इसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता लेता हूँ जो आपका शॉर्टकट है वो है आपका जे बी एल म्यूज़िक ठीक है कौन सुनता है वाई क्लिप सुनता है सो so, आप लोगों को याद रखना है कि जो पर्टिकुलरली आप शॉर्टकट है तो जे बी एल आप लोगों को अगर नहीं पता आ, पहले तो पता होगा कि जे बी एल के जो होते हैं स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं ठीक है तो जे बी एल म्यूज़िक कौन सुनता है वाई क्लिप सुनता है तो आज मेरे पास जो है लिखने के लिए ये वाला पेन नहीं है साथ में सो so, आप लोगों को याद रख थोड़ा सा इसमें दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप लोगों को न, मैं बोल रहा हूँ साथ में तो जे बी एल से क्या है आप लोगों को जॉन गावर बी से आप लोगों को बार बार याद रखना है एल से लैंगलैंड याद रखना है एम से आप लोगों को जॉन मैंडविल याद रखना है एम क्या है आप लोगों का मैंडविल है और डब्ल्यू से यहाँ पर आप लोगों को वाई दिख रहा है सो so, ये आप लोगों के टोटल क्या हैं राइटर्स हैं ये शॉर्टकट में आप लोगों को याद हो गया जे बी एल म्यूजिक जे बी एल म्यूज़िक कौन सुनता है मैं सुनता है सॉरी वाई क्लिप्स सुनता है अब बात आते हैं कि uh, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चनस uh, देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो पहला है आप लोगों को जॉन गावो तो जॉन गावो के थ्री वर्क्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेकुलम मेडिटेंटिस वॉइस ऑफ टाइम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वॉक्स क्लामेंटिस इज सेकेंड वर्क एंड थर्ड इज़ कन्फेसियो अमेंटिस सो कन्फेसीो अमेंटिस इज रिटन इन सेवन बुक्स ये सात आपकी बुक्स में लिखा गया है टेन थाउजेंड इसमें लाइन्स है आपको टेन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव याद रखने की ज़रूरत नहीं है इजिली आप लोग टेन थाउजेंड याद रखिए बाद में आप लोगों को टू सिक्सटी फाइव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर आपको टेन याद हो गया बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी यहाँ पर आपको कन्फेसीो अमेंटिस ओके वॉक्स क्लामेंटिस एक एज एक कपलेट में लिखा गया वर्क है यहाँ पे कन्फेसियो अमेंटिस जो है ये थर्टी थ्री में टोटल वर्क लिखा गया है वन वन इसमें स्टोरीज हैं ऑक्टलिबिक कपलेट में लिखा गया है एंड इवेल्स बाय सेवन डेडली सेंस पैरिकलिस जो है शेक्सपियर वो आपका सन कावर के वर्क से ही क्या है हम कहें मोटिवेटेड वर्क्स उन्होंने लिखा था या कैरेक्टर उसमें डाले थे विलियम लैंगलैंड विलियम लैंगलेंड का जो इम्पोर्टेंट वर्क है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारे को राइटर्स से मैं कहूँ तो पायर्स डिप्लोमेन है इसमें पूछा जाता है कि कितने विजन थे तो आ, देर वर एट विजन्स उन्होंने आठ सपने देखे थे और उन्होंने इसको पूरे को लिखा है वर्क को ए बी सी टेक्स्ट में तो पूछा जाता है कि ए बी सी टेक्स्ट किसका पार्ट है तो वो है आपका पायर्स डिप्लोमेन का एलिगोरिकल पॉइम है एंड मोस्ट ऑफ जो होती थी इस टाइम पीरियड तक वो एलेगोरिकल पॉइंट ही होती थी ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है वैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पिछला पार्ट बनाया है या जो हमारा कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूरी याद भी करवाई है या आप लोगों को बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बताया था मैंने द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स डिप्लोमेंट ये इसका कंप्लीट नेम है इस वर्क का या अनदर नेम आप इसे कह सकते हैं इस वर्क में पायर्स डिप्लोमेंट में क्या दिखाया गया है तो दो चीज़ें हैं एक है आपका हार्डशिप्स ऑफ द पोअर पिजांट एंड अटैक्स ऑन रूल रूलिंग क्लास कलर्जी जो ये फर्स्ट वाला ये वाला है ये आपका के में पूछा गया क्वेश्चन था ऑप्शन में ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सर गाउन एंड ग्रीन नाइट ये इन्हीं को डेडिकेट किया जाता है लेकिन ये सर गाउन क्या थे अपने आप में क्या था ना एक राइटर भी हुए हैं इस टाइम में नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपका है सर जॉन वाइक तो इनका फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज फर्स्ट इंग्लिश बाइबल को इन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्सेस बना के लिखी थी 1320 से 1384 तक uh, इनका इनकी लाइफ थी लॉलार्ड मूवमेंट इन्होंने क्या किया था इसको लीड किया था लॉलार्ड मूवमेंट में एक क्वेश्चन uh, बनता है किसका जो लीडर था वो कौन था तो सर जॉन परे इसके लीडर थे सर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका जॉन बार्बर जॉन बार्बर क्या थे एक स्कॉटिश पोइट थे एंड इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपका ब्रस जो कि एक हेरोइक uh, थीम पे लिखा गया ऑक्टोसलेबिक uh, जो है कपलेट इसमें यूज़ किए गए हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको ऑक्टोसलेबिक कपलेट यूज़ किए हुए मिल रहे हैं यहाँ पे आपको ऑक्टो सिलिबिक कपलेट मिल रहे हैं तो इन केस आपको इस टाइम पीरियड पे जय जो कि आपको जे बी एल म्यूज़िक वाईक्व ठीक है जे बी एल म्यूज़िक वाइक्लिव ये चार पांच वो राइटर देखते हैं और पूछा जाता है किस में यूज हुआ है तो आपका ऑप्शन सिलेबिक कपलेट ही होना चाहिए ठीक है हेरोइक थीम में लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ट्वेल्व एटी सिक्स टिल थर्टीन थर्टी टू तक इसको लिखा गया है उसके बाद आ जाते हैं सर जॉन मैंडल सर जॉन मैंडल जो हैं उन्होंने लिखा था दॉयज एंड ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडल्स एंड फर्स्ट इंग्लिश प्रोस क्लासिक भी इसको इस वर्क को माना जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच जीन डी बोरगोन तो ये इन्होंने एक ट्रांसलेशन वर्क था इनका और उस टाइम पे ट्रांसलेशन वर्क काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे और अगर हम बात करें कि चौसर के बाद जो भी राइटर आए थे तो वो सारे यही उसी को चौसर को ही फॉलो कर रहे थे जैसे कि वो राइटिंग कर रहे थे क्योंकि उसके अलावा आप ख़ुद सोचिए कि चौसर के अलावा कौन था कॉपी करने के लिए तो कोई कॉपी करने के लिए नहीं था या हम कहें कि किसी को फॉलो करने के लिए भी कोई और बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं थे तो चौसर एक स्टैब्लिश uh, पॉइंट थे और हम कहें कि उनके पास में चीज़ें भी बहुत थी या फंड भी बहुत था काम करने के लिए ठीक है उन्होंने काफ़ी जो किंग्स थे उनके लिए काम किया था यहाँ पे एक शॉर्टकट आप लोगों को दिख रहा होगा एस वी सी एफ एल ई -E. तो एक्चुअल में जो जॉन गावर के वर्क हमने अभी ऊपर देखे थे स्पेकुलम मेडिटेंटिस वॉक्स क्लेमेंटिस और कन्फेस्योमेंटिस इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जैसे स्पेकुलम मेडिटेंटिस किस लैंग्वेज में लिखा गया था वॉक्स क्लेमेंटिस किससे रिलेटेड था आ, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और कन्फेस्योमेंटिस किससे लिखा गया था तो वो है आपका आ, ये आपका शॉर्टकट है राइट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये शॉर्टकट एस वी सी एफ एल वी इसको इसी तरह से लिखते जाइए अपॉन में ऐसे एक लाइन खींच ली एस एल वी यहाँ एस वी सी एंड एफ एल ई याद रख लिए तो आपको ये आप पिक्चराइजेशन से भी याद रख सकते एस वी सी एस वी सी यहाँ से आपका ये लाइन है ठीक है और यहाँ से आपको एफ एल ई -E याद रखना है ठीक है तो इसे बार बार अगर आप लिखेंगे याद हो जाएगा और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे लिखिए और फट से आप लोगों को, को पता चल जाएगा अच्छा वॉक्स क्लेमेंटिस जो है लैटिन से है ठीक है कन्फेसमेंटिस्ट किस से है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से लिखा गया है तो इस तरह के जो फार्मूले हैं वो आप लोगों को याद करते हैं याद करवाती हैं चीज़ों को और धीरे धीरे आप उन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे विलियम लैंगलैंड ही इज़ द ही इज़ नेक्स्ट टू चौसा नोन फॉर द विजन ऑफ़ विलियम कंसर्निंग पायर्स डिप्लोमेंट ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं बट वहाँ पर पे मैंने उसे एक तरह से माइंड मैप में लिखा था तो इसलिए नोट्स बनाने के पर्पज से इसे नीचे इस तरह से भी लिखा हुआ है पायर्स डिप्लोमेंट हैज़ थ्री आस्पेक्ट तीन चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं इट हैज़ पिक्चर ऑफ़ फोरटीन सेंचुरी इंग्लैंड अगर आपको फोर्टीन सेंचुरी इंग्लैंड देखना है कैसा है तो आप पायर्स डिप्लोमन पढ़ सकते हैं ठीक है या आप चौसौ का कैंटरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं सेकेंडली इट इज़ एन एलेगरी ऑन लाइफ पायर्स डिप्लोमेंट सिम्बल ऑफ क्राइस्ट ये क्वेश्चन में मैंने जो आप लोगों को बताया था कि ये पूछा गया था कभी में कि जो इसमें पायर्स डिप्लोमन है वो किसका सिम्बल है पायर्स डिप्लोमन इज़ अ रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश राइमलेस मेजर और जो ओल्ड इंग्लिश का राइमलेस मेजर है उसका एक रिवाइवल था बाकी मैं सर ये जॉन गावर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ अब हम बात करेंगे यहाँ पर 15th सेंचुरी के बारे में और उसके बाद जो चौसेरियंस हुए थे मीन्स फॉलोवर ऑफ चौसे चौसर हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इतना मैटर काफ़ी है एक दिन में अगर आप इतना याद कर लेते तो 30 थर्टी डेज़ में आपको बहुत अच्छा खासा मैटर याद हो जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर